बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक्स एंड सेकंड एडिशन चैप्टर नंबर फोर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज फॉर वी क्वेश्चन नंबर सेवन से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर सेवन से पहले के क्वेश्चन हम सारे सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास है, इन द स्टूडेंट इन अ स्कूल कैन बी अरेंज इन 12, 15 and 18 इक्वल रोज एंड ऑल्सो इन टू अ सॉलिड स्क्वेयर, वट इज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट दैट कैन बी इन द स्कूल। हिंट्स हमें गिवन है कि हम लोग को इस क्वेश्चन को किस तरीके से फाइंड करना है, फाइंड बाय द ऐसे हमारे पास क्या है, एक स्कूल में अरेंज किए गए बच्चों को 12, 15 and 18 इक्वल रोज में, ये भी इन टू आर सॉलिड स्क्वेयर इन स्क्वेयर शेप में, ठीक है। और साथ ही साथ हमसे ये भी कहा गया कि वट इज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट दैट कैन बी अरेंज इन स्कूल, तो कहते हैं लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अरेंज किए गए हैं उसका हमने बताना है। लेकिन हमें बताया गया कि हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करें किस मेथड से, फाइंड बाय द एलसीएम, हम एलसीएम के मेथड के जरिए उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं। हमारे देखें 12, 15 और 18 हमारे पास राइट है। जैसे कि हमें पता है कि 2 के टेबल में 12 हमारे पास आता है 6 के साथ, 15 नहीं आता, ठीक है, एंड 18 हमारे पास आता है 9 के साथ। फिर 2 के साथ जाएंगे तो ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 3, 15 and 9, क्योंकि ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर थे इसलिए हो चुके। अभी देखें 2 के साथ कोई भी नंबर नहीं जा सकता। अब देखें 3 के साथ जाने वाले जो नंबर हैं, 3 के साथ 1, 5 and 3, 3 के साथ दोबारा फिर जा सकता है नंबर हमारे पास जो 3 है, तो उसकी जगह पर 1 एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। हमारे पास जो लीस्ट हम लोगों ने एलसीएम के जरिए जो नंबर फाइंड किए हैं वो हमारे पास ये हैं, तो हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, ये हमारे पास नंबर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम इनके पेयर बनाएं तो एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एंड इसका क्या है, कोई भी पेयर हमारे पास नहीं है। जैसा कि हमारे पास 5 का पेयर नहीं बना तो हमारी हम आगे क्या लिखेंगे, टू मेक एलसीएम अ परफेक्ट वी मस्ट बी मल्टीप्लाई इट बाय 5, क्योंकि अगर एक दूसरा नंबर 5 के साथ एक दूसरा 5 होता तो क्या होता है, 5 का भी पेयर बन जाता है, यहाँ पर 5 का पेयर नहीं बनता। तो हमसे अगर रिक्वायर नंबर, अगर 5 का दूसरा पेयर होता तो हम लिखते, तो हमें जो रिक्वायर नंबर था तो वो होता, क्योंकि हमसे रिक्वायर नंबर मांगा गया स्क्वायर शेप में बच्चे को अरेंज किया गया था, तो इसलिए क्या होना चाहिए, 5 का भी एक स्क्वायर होना चाहिए। तो हम रिक्वायर नंबर जो हमसे मांगा गया था वो होना चाहिए, वो था 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अभी देखें 2 को 2 के साथ, 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 15, 15 3 ज़र 45 एंड 45 को 10 के साथ करेंगे तो हम उस तरीके से थोड़ी सी मुश्किल हो रही, तो हम क्या करेंगे, 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9 एंड 25 20 सॉरी 5 5 ज़र 25 आते हैं। अभी देखें 4 9 ज़र हमारे पास आता है 36 एंड 36, 25 ज़र हमारे पास आता है 900, यानी देयर आर एट लीस्ट 900 स्टूडेंट इन अ स्कूल, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, देयर आर इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, 529 स्टूडेंट स्टैंड इन द असेंबली हॉल सो दैट देयर आर एज मैनी स्टूडेंट्स इन आर रो एज देयर आर रो इन द हॉल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ईच रो। जैसे यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, 529 स्टूडेंट असेंबली हॉल में क्या होते हैं, असेंबली के लिए जैसे आप लोग जाते हैं तो क्या होता है, हर क्लास की क्या होती है, लाइन बनती है, लाइन में हर स्टूडेंट अरेंज होते हैं, खड़े होते, कहते हैं इस तरीके से कह रहे हैं, इसी उसी आप लोग की असेंबली से मिलता जुलता ये सवाल है। कह रहे हैं कि 529 स्टूडेंट जो है वो असेंबली के हॉल में खड़े हैं असेंबली के लिए, ठीक है। सो देयर आर एज मैनी स्टूडेंट, कहते हैं जिस तरह के ज़्यादा स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर सी बात है जो रो होंगी, जो लाइनें होंगी असेंबली के लिए वो भी क्या होंगी, ज़्यादा बनेंगी। तो कह रहे हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट आर अरेंज इन ईच रो, कहते हैं कि जब लाइनें ज़्यादा बन चुकी हैं, रो ज़्यादा हो चुके हैं, तो बताएं हर रो में कितने बच्चे खड़े हैं। तो हम अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं।
हम स्टेटमेंट किस तरह से लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट हमारे पास गिवन थे 529, हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स फाइव हंड्रेड ट्वेंटी नाइन, ये वो स्टूडेंट है जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। देखें, हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज जो होती हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट, उतने ही रो बनती है जितने हमारे पास स्टूडेंट होते हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रो, ये एन ओ से नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ रोज है वो हमें मालूम नहीं है, तो हमने नंबर ऑफ रोज को फाइंड करना है। तो देखें, नंबर ऑफ रो को हम एक्स दे देंगे क्योंकि हमने एक्स को फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी जितनी हमारे पास रो हैं, जैसे कि हमें नहीं पता कि कितनी रोज हैं, तो जैसे हम लोग को नंबर ऑफ रोज भी फाइंड करें और हमने ये भी मालूम करना है कि हर रो में कितने बच्चे खड़े, तो देखें नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, रोज एंड स्टूडेंट ये दोनों वो चीज़ें जिसको हम लोगों ने फाइंड, जितनी रो होंगी उतनी स्टूडेंट्स होंगे, इज इक्वल टू 529। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 529 टेकिंग स्क्वेयर रूट, हम बोथ साइड पर स्क्वेयर रूट लेंगे। अभी यहाँ पर देखें एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 529 स्क्वेयर रूट। हम इसका स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे, इसका स्क्वेयर रूट हम लोगों ने किस तरीके से फाइंड करना, हम इसके डिवीजन मेथड के जरिए इसका स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखें 529, पहले हम पेयर बनाएंगे, ये वन पेयर एंड ये टू पेयर, जैसा कि हमें पता है कि हम जो है स्क्वेयर्स में नंबर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वेयर रूट का मतलब स्क्वेयर, इस चैप्टर का नाम स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट है, तो हम स्क्वेयर्स वाले नंबर लेते हैं। वन वन टू टू, यानी वन का स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, टू का स्क्वेयर इज इक्वल टू, थ्री का स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पर देखें, अगर हम थ्री का स्क्वेयर लें तो वो नाइन आता है, तो हम टू के स्क्वेयर के साथ जाएंगे, टू टू ज़र फोर, हमारे पास क्या आ जाएगा वन, एंड यहाँ से 29 आ जाएगा हमारे पास पेयर में। अब देखें टू प्लस टू करेंगे हो जाएगा फोर, अभी फोर के साथ यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर हम लोगों ने राइट करना है जिसके साथ क्या हो, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तो हम यहाँ पर अपना रफर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, अगर हम टू टू करें तो हमारे पास आ जाएगा 84, तो हम थ्री थ्री ले लेते हैं, यहाँ पर भी थ्री एंड यहाँ पर भी थ्री, हम थ्री थ्री के साथ करें, थ्री थ्री ज़र नाइन, फोर थ्री ज़र ट्वेल्व, तो वो नंबर आ चुका है जो हमें चाहिए था, तो हम यहाँ पर भी थ्री लिखेंगे, यहाँ पर भी थ्री लिखेंगे, तो आ जाएगा 129। इसके साथ ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, इससे मुराद ये है कि नंबर के 23 हमारे पास वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो कि हर रो के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, 23 हमारे पास क्या हैं, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर एट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नाइन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास है, मिसेज अली वांट टू बाय अ कारपेट फॉर हर स्क्वेयर ड्राइंग रूम, यानी मिसेज अली जो है एक कारपेट लेना चाहती है अपने जो उसका जो ड्राइंग रूम है ना वो क्या स्क्वेयर शेप में है, ठीक है, यानी लेंथ जितनी लेंथ है उतनी ही, यानी फोर साइडेज की जो लेंथ है वो इक्वल है। इफ़ द कारपेट मेजर 324 स्क्वेयर मीटर, कारपेट की जो मेजर है मेजरमेंट है वो क्या है, ये 324 स्क्वेयर मीटर में है, ठीक है, स्क्वेयर मीटर को आप लोगों ने याद रखना है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ड्राइंग रूम, तो कहते हैं कि लेंथ जो है ड्राइंग रूम की जो चार कोनों में है, तो हर एक कोने की लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं ताकि सोल्यूशन से स्टार्ट करें। जैसा कि हमें पता है कि स्क्वेयर शेप में हमारा स्क्वेयर शेप में मिसेज अली का क्या है, ड्राइंग रूम है, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ द ड्राइंग रूम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द कारपेट, यानी जितना एरिया ड्राइंग रूम का होगा उतना ही कारपेट उसने अपने ड्राइंग रूम में बिछाना है, तो हम लिखेंगे एरिया एरिया ऑफ ड्राइंग रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट,
ठीक है, जितना ड्राइंग रूम होगा उतना ही कारपेट वो डालेगी। तो हमें पता है कि जो ड्राइंग रूम है उसकी क्या है, स्क्वायर शेप में, तो उसका मतलब है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू 324 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे, तभी मैं आपसे कह रही थी कि मीटर स्क्वायर है, इस पर आप लोगों ने फोकस करना है। अभी यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास आ जाएगा एल, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 324 मीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एल इज इक्वल टू 324 वन पेयर, एंड ये थ्री हमारे पास चला था, तो हम क्या करेंगे वन के साथ चले जाएंगे। हम यहाँ पर टू के साथ अगर जाते हैं तो हमारे पास फोर आता है, तो हम वन के साथ जाएंगे, ठीक है। बाय मिस्टेक मुझसे टू हो गया, यहाँ पर देखिए वन एंड वन, वन वन के साथ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर टू, एंड यहाँ से हम पेयर 24 को उतार लेंगे। अभी देखिए वन प्लस वन, ये वाला वन और ये वाला वन प्लस होगा, यहाँ पर हम लोग प्लस कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा टू। अब टू के साथ ऐसा कौन सा नंबर है जो हम लोगों ने राइट करना है ताकि जिसके साथ ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तो देखें हम टू के साथ सिक्स ले लेते हैं क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ठीक है, 26, और यहाँ पर भी सिक्स, सिक्स इधर क्या आ जाता है 36, सिक्स यहाँ पर ऐड कर देंगे, थ्री यहाँ पर ऐड कर देंगे, सिक्स वन या सिक्स, सिक्स टू ज़र ट्वेल्व, 13, 14, 15, हमारे पास ये 15 आ चुका है जो कि इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो हम इससे बड़ा नंबर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखें एट ले लेते हैं दोनों जगह पर टू के साथ, एट एट ज़र हमारे पास आ जाता है 64, फोर यहाँ पर ऐड कर देंगे, सिक्स यहाँ पर, एट वन ज़र एट, एट टू ज़र 16 प्लस सिक्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22, जो कि वो आंसर है जो हमें यहाँ पर चाहिए था, तो हम यहाँ पर भी एट राइट कर देंगे, यहाँ पर भी एट राइट कर देंगे, तो 224 आ चुका है। इसका मतलब है कि जो लेंथ ऑफ द ड्राइंग रूम की ईच साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, 18 लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ड्राइंग रूम इज 18 मीटर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, मरियम वांट टू बाय अ टेबल क्लोथ दैट कवर हर स्क्वायर टेबल टॉप कम्प्लीटली। मरियम क्या लेना चाहती है, एक टेबल के लिए कवर लेना चाहती है, उसका जो टेबल है वो क्या है, स्क्वायर शेप में, ठीक है, वो चाहती है कि स्क्वायर शेप में जो उसका टेबल है वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, कवर हो जाए। इफ़ द एरिया ऑफ द टेबल क्लॉथ इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो एरिया है टेबल क्लॉथ का वो क्या है, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर है, जो एरिया है उसके टेबल का वो क्या है, 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। तो हमने इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अपनी रजिस्टर पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखें हम लोग को ये लिखना है, द एरिया ऑफ टेबल इज इक्वल टू, जो एरिया है ऑफ द टेबल क्लॉथ ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में था। हमें पता है कि जितना एरिया होगा टेबल का उतना ही हमें क्या चाहिए होगा, टेबल क्लॉथ हमें चाहिए होगा, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ टेबल is equal to area of table cloth, सही है। तो हमें पता है कि जो टेबल का, जो टेबल की फोर स्क्वेयर शेप में, यानी स्क्वेयर शेप से मुराद है कि उसकी चार साइड जो है उसकी क्या है, लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू 6400 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर,
एल इज इक्वल टू 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास पेयर बना लेते हैं, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। इस पेयर को देखकर हमें पता लग रहा है कि एट जर क्या आता है 64। ये नेक्स्ट पेयर हमारे पास बच्चों का है, एक ही पेयर है और उसमें क्या है टू जीरोज हैं, तो इसका एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द टेबल क्या आई है 80 सेंटीमीटर। हम लोग लिखेंगे लेंथ इसके साथ क्वेश्चन बटन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है व्हाट इज द स्मॉलर नंबर दैट विल डिवाइड इनटू 216 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी देखें कहते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों ने फाइंड करना है जिसके साथ वो क्या है 216 को डिवाइड करो हमें क्या मिले परफेक्ट स्क्वायर मिले। परफेक्ट स्क्वायर से आप लोगों को याद आ चुका होगा कि फॉर ए एक्सरसाइज फॉर ए में परफेक्ट स्क्वायर जब आ रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारे पास जो नंबर था हम उसके फैक्टर्स फाइंड करके तब जाकर परफेक्ट स्क्वायर आसानी से फाइंड करते। तो हम इस क्वेश्चन में भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे कि हम 216 के पहले क्या करेंगे स्क्वायर फाइंड करेंगे, स्क्वायर फाइंड करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है गिवन नंबर, हम लिखेंगे गिवन नंबर हमारे पास है 216। हम 216 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, पहले 2 के टेबल में जाएंगे तो 2 के टेबल में हमारे पास आ जाएगा 108 के साथ, फिर 2 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54, फिर 2 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27, फिर 3 के साथ जाएंगे तो 3 के टेबल में ये आता है 9 के साथ, फिर 3 3 0 and 3 1 0। हमारे पास क्या आ चुके हैं फैक्टर्स आ चुके हैं, तो इन 216 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या है एक पेयर दो पेयर, यानी इसके एक 2 है और एक 3 है जिसका कोई पेयर हमारे पास नहीं बन सका। तो हम लिखेंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर we will divide 216 by 216 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखें एक 2 एंड 3 मिस है ना, यानी 2 एंड 3 हमारे पास मिस है, यानी 2 3 सर क्या आता है 6, यानी 216 को हम किसके साथ डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तब जाकर हमारे पास क्या आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। इसके साथ क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है अ गार्डनर प्लांट ट्रीज इन अ स्क्वायर फॉर्मेशन इफ ही प्लांट 25 ट्री इन अ रो हाउ मैनी ट्रीज आर देयर। कहते हैं गार्डनर जो है वो ट्रीज वगैरह जो है प्लांट्स वगैरह उगाना चाहता है लेकिन क्या स्क्वायर शेप में। इफ ही प्लांट 25 ट्रीज इन अ रो हाउ मैनी ट्रीज आर देयर, तो कहते हैं तो फिर कितनी ट्रीज उसको और लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर देखें स्क्वायर, स्क्वायर से मुराद क्या होता है कि फोर साइड की लेंथ बराबर, अगर एक लाइन में अगर एक रो में वो 25 प्लांट्स लगाना चाहता है इसका मतलब ये है कि यानी यहाँ पर 25 यहाँ पर है तो 25 क्या होंगी रोज हैं, जितने रोज बनेंगे वहाँ पर क्या उतने ही कॉलम्स बनेंगे ना। तो यहाँ पर देखो 25 प्लांट अगर वो यूँ लगाना चाहता है तो स्क्वायर शेप में, इसका मतलब है कि 25 इस तरह भी लगेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको फाइंड करना है। अपने रजिस्टर पर आते हैं और यहाँ पर देखें हम लिखेंगे ट्रीज इन अ रो हमारे पास गिवन है, ट्रीज इन अ रो हमारे पास कितनी है 25, नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है 25 है। ठीक है, यानी एक रो के अंदर 25 उसने क्या लगाए हैं ट्रीज लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी बनेगी 25 ही। देखें एक लाइन है स्क्वेयर शेप में है, एक लाइन में 25 ट्रीज हैं। ठीक है, स्क्वेयर शेप से मुराद कि जब एक लाइन में 25 है इस तरफ तो इस तरफ भी जो होंगे वो भी 25 होंगे। ठीक है, तो यानी ट्रीज इन अ रो यानी एक लाइन में कितने दरख्त हैं 25 हैं, तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी वो भी 25 होंगे क्योंकि स्क्वायर शेप है। तो अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज
जो कि हमें पता लग चुका है कि 25 के मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625, यानी टोटल जो ट्रीज जो वो स्क्वायर शेप में उगाएगा तो वो कितने होंगे 625। इसके साथ एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करूंगी आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।